जानिए फोर प्ले क्यों और कैसे करें, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन उन्मुक्ति महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। काफी सारे लोग हमें जो फोन करते हैं ना, तो उनका ये रहता है कि भाई हमको इंटरकोर्स करने में इंटरेस्ट है, लिंग का यूनि में प्रवेश करना, इंटरकोर्स करना, उसको ही वो सेक्स मानते हैं। एक्चुअली आपको सबको मालूम होगा कि वो सिर्फ इंटरकोर्स मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना, वो कोई इंटरकोर्स नहीं है, वो कोई सेक्स नहीं है, वो एक सेक्स का एक पार्ट है। सेक्स में टोटल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फोर प्ले, काम क्रीड़ा, पूर्व काम क्रीड़ा। दूसरा होता है प्ले, मतलब जो इंसर्शन होता है योनि में लिंग का, वो सेकंड पार्ट। और तीसरा होता है आफ्टर प्ले। औरत को, स्त्री को पहला और तीसरा ये पार्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट। और पुरुष को दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। तो यहां प्रॉब्लम सब होता है। पुरुष ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फोर प्ले करने में, उसको जल्दी करना है इंटरकोर्स, और औरत को अच्छा लगता है फोर प्ले और आफ्टर प्ले। इसलिए हर पुरुष ने स्त्री को पहले उद्दीपित करना, उसको एक्साइट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्ले के लिए मतलब इंटरकोर्स के लिए तैयार हो जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि फोर प्ले नहीं किया तो फिर स्त्री को जितनी मजा आना चाहिए उतनी मजा आती नहीं है। आदमी का यदि जल्दी हो गया तो बिल्कुल ही फिर उसको लगता है कि कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कुछ मजा आई नहीं, और फिर वो अगली बार सेक्स करने को ना बोलती है। इसलिए पुरुष का यह काम है कि स्त्री ने हर बार स्त्री को उद्दीपित करना और उसका समाधान करना, उसको खुश करना, सुखी करना, वो पुरुष का काम है। तो उसके लिए फोर प्ले और आफ्टर प्ले करना जरूरी है, दोनों का बहुत ज्यादा महत्व है। और वो करेंगे तो फिर आपको इंटरकोर्स करने के लिए स्त्री कोई भी ना नहीं बोलेगी। अभी फोर प्ले के लिए वातावरण अच्छा होना जरूरी है। क्या है कि कम समय है, कोई आने वाला है, बच्चे बाहर गए हैं, उतने में बस कम समय में उतने में करने का है, या कोई दोस्त की खोली है। हमारे यहाँ जब आते तो दोस्त का कमरा है, दोस्त बाहर गया, उसने 1 घंटे के लिए टाइम दिया है, वो आने वाला है कभी भी कोई भी। या आप होटल में जाते हो, होटल वाला बोलता है कि चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, मतलब होटल वाले वो भी करते रहते हैं, और वो उसमें जल्दी करना है, उसमें फिर वो फोर प्ले होता ही नहीं। और सिर्फ आप इंटरकोर्स करेंगे मतलब लिंग का योनि में प्रवेश करना, वो कितना समय चलता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और कितना चलेगा? तो फिर उसमें समाधान भी नहीं होता है। अब फोर प्ले करना जरूरी है, तो फोर प्ले कैसे करें? फोर प्ले में क्या है कि एक दूसरे को स्टिमुलेट करना जरूरी है। अभी आज मैं बताने वाला हूं कि फोर प्ले में पुरुष ने स्त्री को कैसे स्टिमुलेट करना चाहिए, ताकि वो उद्दीपित हो जाएंगी, बहुत एक्साइट हो जाएंगी, और एक्साइट हो गए उसका एक पक्का जो लक्षण है वो ये है कि योनि में स्त्राव होना शुरू हो जाता है, योनि गिल्ली हो जाती है, सिक्रीशंस आते हैं योनि में, और उसमें स्त्राव होना शुरू हो जाता है। तो समझ आना कि स्त्री बहुत एक्साइट हो चुकी है। तो जब आप फोर प्ले करते हैं तो लोग बॉडी टू बॉडी मसाज करते हैं, हर बॉडी के हर पार्ट को मसाज करना। पुरुष ने अपने बॉडी से दूसरे मतलब स्त्री को वही पार्ट को मसाज करना, सेम पार्ट को बॉडी टू बॉडी मसाज करते जाना, तो एक वो है होता है। फिर बालों में हाथ घुमाना, फिर माथा जो है वहाँ उसका किसिंग करना, गाल का किसिंग है, गले का है, कंधे का किसिंग है, गर्दन का है, बटक्स, थाइज है ना, वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। फिर घुटनों के नीचे का पार्ट जो है वहाँ यदि आप फिंगर घुमाते हैं, हाथ घुमाते हैं, हथेली उसे वहाँ स्टिमुलेट करते हैं, तो वहाँ भी बहुत उनको अच्छा लगता है। छूना बहुत जरूरी है, हथेली से, उंगलियों से छूना बहुत जरूरी है हर पार्ट के ऊपर। कंधे बहुत सेंसिटिव होते हैं पार्ट, कंधे। फिर ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव होती है, निपल को सक करना, निपल को स्टिमुलेट करना। फिर योनिलिंग को स्टिमुलेट करना, जांग में हाथ घुमाना स्टिमुलेट करना, और योनिलिंग को भी स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट रहता है। जो जी स्पॉट है, फिंगरिंग करके जी स्पॉट को एक्साइट करना, स्टिमुलेट करना, वो भी बहुत जरूरी है, और उससे भी बहुत एक्साइटमेंट स्त्री को आता है। तो ये सब एक्साइटमेंट यदि आप करते हैं टच से, सकिंग से, टंग से मतलब अपने जिवा से, जबान से एक्साइट करना, लिप से किसिंग करते हर पार्ट का, तो उसमें स्त्री बहुत एक्साइट हो जाती है। और इसमें बातें करना, गप्पे मारना, खेलना, एक दूसरे को एक्साइट करना यदि करते हैं, तो फोर प्ले में जितना एक्साइटमेंट एक स्त्री को आता है, वो एक्साइटमेंट, वो मज़ा जब उसको मिलती है, तो वो कभी भी इंटरकोर्स के लिए तैयार होती है, नहीं तो फिर क्या होता है कि वो तैयार होती नहीं। फिर होता है इंटरकोर्स, और इंटरकोर्स में जब वीर्य स्खलन हो जाता है तो भी उसमें स्त्री का समाधान हो जाता है, क्योंकि फिर अभी फोर प्ले में बहुत एक्साइटमेंट हो चुका है। और एक बार समाधान होने के बाद में आफ्टर प्ले मतलब बाद में भी हगिंग करना, कडलिंग करना, किसिंग करना बाद में भी बहुत जरूरी है। 5-10 मिनट साथ में पड़े हैं
और एक्साइट एक दूसरे को बाद में भी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है और स्त्री को उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो फोर प्ले, ये आप यदि जान लेते हैं कि फोर प्ले इज़ ए मस्ट। और जो लोगों की कंप्लेंट रहती है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कि नहीं हमारी पत्नी जो है ना वो तो इंटरेस्ट ही नहीं, उसको उसका मूड ही बनता नहीं है, वो तैयारी होती नहीं है, ये कंप्लेंट ही निकल जाएगी। और फिर जब घर में कोई किसी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, फिर वो बाहर सुख के लिए घूमते रहता है, बाहर सुख पाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि घर में सुखी नहीं है, घर में औरत तैयार होती नहीं है, और फिर उसमें अनेक प्रॉब्लम्स तैयार होते रहते हैं। तो यदि आप करते हैं जैसा करना चाहिए वैसा सेक्स यदि आप करते हैं, तो डेफिनेटली दोनों को भी मजा आएगा, दोनों को भी वजाइनल लुब्रिकेशन अच्छा होगा, वजाइनल सिक्रीशंस होंगे, दोनों को मजा आएगा, और उसमें फिर एंजॉयमेंट यदि करते हैं तो फिर सवाल ही नहीं आता, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका दिमाग शांत रहेगा, पीस हैप्पीनेस मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों को जो एक गलत फहमी है कि सेक्स मतलब इंटरकोर्स करना और योनि में लिंग का प्रवेश करना उसको सेक्स बोलते, तो वो सेक्स नहीं है, तो ये गलतफहमी दूर हो जाएगी और पति पत्नी से भी खुश हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।